वैसे ही इस शक्तिवन में प्रवेश करते ही महाराज इला बन गए। परंतु तुम चिंता न करो। चिंता कैसे न करूं माते, मुझ पर तो जैसे वज्रपात हो गया है। मैंने तो युवराज की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की थी, पर उसका कैसा विचित्र फल मिला है मुझे। ये तो होना ही था महारानी, इसीलिए तो हमने ये लीला रची है। इल के इला बनने का परिणाम शुभ ही होगा। अब मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं महाराज? आप मेरे पति से इस नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं आपकी धर्म पत्नी हूं या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, माते, ये आपने हमें किस स्थिति में डाल दिया है? हम पर कृपा करें महादेव, मेरे स्वामी को फिर से पहले वाला रूप प्रदान करें भोलेनाथ। यह संभव है देवी विजया। विधि के विधान के अनुसार जिस कार्य के लिए महाराज इल से इला बने हैं, वो कार्य पूर्ण हुए बिना वो पुनः पुरुष नहीं बन सकते। प्रभु, जब हमारी प्रजा को इस बात का पता चलेगा कि महाराज अब पुरुष नहीं रहे, तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी, शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी महादेव। ऐसा कुछ नहीं होगा विजया। महाराज इल के राज्य की प्रजा धार्मिक और सुसंस्कृत है। वो तुम्हें महारानी विजया को अपने अधिशासक के रूप में स्वीकार करेगी। क्या तुम्हारी प्रजा इस बात के लिए व्यग्र नहीं है कि उन्हें उनका युवराज शीघ्र प्राप्त हो? प्रजा ही नहीं, हम सब व्यग्र हैं महादेव। हमारा एक एक पल युवराज के आने की प्रतीक्षा में ही बीत रहा है, परंतु अचानक इस वज्रपात से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है महादेव। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि महाराज इसी रूप में रहे तो मैं युवराज की माता कैसे बन पाऊंगी। नारद, इस शिवलीला का रहस्य तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है। भोलेनाथ, आपकी इच्छा क्या है? सोच क्या रही हो देवी, कह दो जो तुम्हें कहना है। महारानी विजया की दुविधा दूर करना तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। महारानी विजया, मैं तुम्हें एक कटु सत्य कहने जा रही हूँ, हृदय को दृढ़ करके सुनो। अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण तुम इस जन्म में किसी संतान की माता नहीं बन सकती। नहीं माते, मुझ पर ऐसा आघात ना करे, ऐसा आघात ना करे माते। मैं बहुत आशा लेकर आपकी शरण में आई हूँ, जन्म भर की कामनाओं को छिन्न भिन्न ना करे माते। भगवान शिव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपकी भक्ति से तो पूर्व जन्म के बड़े से बड़े पापों का अंत हो सकता है, यही सोचकर मैंने आपकी आराधना की थी। क्या आप चाहेंगे जो आपकी आराधना करता हो उसे उसकी आराधना का यह दंड मिले? मुझ पर ऐसा अन्याय ना करे महादेव, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े ना करे, ना करे महादेव, ना करे। एक और कटु सत्य तुम्हें सुनना है महारानी। तुमने हमारी आराधना तो की, परंतु तुम्हारा मन शिव भक्ति में नहीं, पुत्र को पाने की कामना में लीन रहा। तुमने शिव भक्ति करते हुए शिवलिंग में शिव को नहीं, पुत्र मोह में पड़कर बुध को देखा। क्योंकि तुम बुध जैसा पुत्र पाने की इच्छुक हो, क्या इस कटु सत्य को तुम स्वीकार नहीं करोगे विजया? आप सत्य कह रहे हैं महादेव, पुत्र पाने की कामना से मेरा मन इतना व्याकुल था
के बुद्ध के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। फिर भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है विजया, तुम्हें बुद्ध जैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, परंतु तुम उसे जन्म नहीं दोगी, उसे जन्म देगी इला। इला, तुम्हारा शरीर शिवलीला के कारण नारी में परिवर्तित हो गया है, परंतु आत्मा वही महाराज इल की है। महाराज इल के रूप में तुमने पुत्र की जो आकांक्षा की थी वो इला द्वारा पूर्ण होगी। तुम इससे सहमत हो ना? नारायण नारायण। विजया, इस बात से तुम्हें दुखी नहीं प्रसन्न होना आवश्यक है। हमें तुम्हारे सामने एक और सत्य का उद्घाटन करना है, नारी शक्ति का महत्व स्थापित करने के लिए मेरे आग्रह पर भगवान शिव ने इस नारीमय शक्ति वन की रचना की है। इसी रचना के कारण तुम्हारे पति ने नारी शरीर धारण किया है। बुद्ध जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए। विजया, महाराज इल की सच्ची शिव भक्ति से प्रेरित होकर और बुद्ध की मातृभक्ति को सफल करने के लिए ही हमने ये लीला रची है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हे त्रिकालदर्शी, आपकी प्रत्येक लीला का अर्थ कितना अद्भुत है। आप अपने भक्त की कामना पूर्ति के लिए क्या क्या वेश धारण करते हैं, क्या क्या लीलाएं रचते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। माता पार्वती, आप भी धन्य हैं। आप दोनों ने मेरे लिए इतना किया भोलेनाथ, माता पार्वती, आपने मेरी इच्छा पूरी ना करके भी मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप सचमुच महान हैं, सचमुच महान हैं। आप सच्चे मन से बिना हिचक के इस सत्य को स्वीकार करो और नारी शक्ति को प्रमाणित करने के लिए महाराज इल के राज्य का शासन करो। माते, क्या सदा के लिए मेरे स्वामी लीला के रूप में ही रहेंगे? नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मुझ पर ना करे, ना करे माते। देवी पार्वती, पुत्र जन्म के पश्चात महाराज इल को इला के रूप में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। महारानी विजया की प्रार्थना पर ध्यान दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। महारानी विजया, अपने स्वामी का वियोग तुम्हें अधिक समय तक नहीं सहना होगा। ये एक माह स्त्री और एक माह पुरुष बनकर तुमसे मिलते रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माते, क्या ये संभव है? इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है विजया। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर आया है। मातृधर्म का पालन करते हुए भी महाराज इल तुमसे मिलते रहेंगे और एक वर्ष के पश्चात युवराज को लेकर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होंगे। तुम दोनों की कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आज तो आप चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हैं। आपने ऐसा चमत्कार कभी नारद के साथ नहीं किया। एक वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का शासन चलाकर ये सिद्ध कर दो कि नारी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माते। देवी इला, इस काम्यक वन के दूसरे छोर पर
योगी बुद्ध इस समय भी शिव आराधना में लीन है। तुम उनके पास पहुंचकर अपनी कामना का संकेत दो। महारानी विजया, इला के लिए शुभकामना करो और समझ लो कि महाराज इल का एक पुरुष का कर्तव्य तुम्हें हंसते हंसते निभाना है। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते। इला 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 मैं स्वयं तुम्हें योगी बुद्ध के पास पहुंचाऊंगी। चलो मेरे साथ। अब क्या देवी? मैं जानती हूँ आप पुनः अपना पूर्व रूप धारण करके शिव कैलाश पहुँचने के लिए इच्छुक हैं, परंतु परंतु क्या देवी? इस नारीमय शक्तिवन का सुख कुछ समय और भोग लेने दीजिए। यह अवसर बार बार तो नहीं आता स्वामी। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिष्य नारद, शिष्य नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने गुरु को बिसार गए हो। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुदेव, परंतु आप यहाँ कैसे? शिव पार्वती की लीला अद्भुत होती है नारद, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो घटित हो जाता है, और जो घटित होता है उसका रहस्य समझना कठिन होता है। आप अक्षरक्षर सत्य कह रहे हैं देव गुरु। शिव लीला से रचित उन अद्भुत घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख रहा हूँ। तुम शिव लीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहे हो नारद? कहाँ है शिव पार्वती? वो देखिए देवगुरु, उन दोनों का शिव लीलामय रूप। ओम नमः शिवाय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। देवगुरु, भूलकर भी आप शक्तिवन में ना चले जाना, अन्यथा आप नारी बन जाएंगे। तुम मेरी चिंता ना करो नारद, अपना ध्यान रखो। भक्ति के भाव प्रवाह में आकर कहीं तुम शक्तिवन ना चले जाना, अन्यथा मुझे अपने एक उत्तम शिष्य से वंचित होना पड़ेगा। देवगुरु, मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आमंत्रण पर भी वहां गया नहीं। मैं अत्यंत सावधान हूँ। कृपया आप मुझे ये बताएं कि स्वर्ग का अपना बृहस्पति आश्रम छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस समय उससे मिलना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध के पास जाना आवश्यक है? किस कारणवश? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात मिल जाएगा नारद। नारायण नारायण। देव गुरु बृहस्पति ने प्रश्न को प्रश्न ही क्यों रहने दिया? उत्तर क्यों नहीं दिया नारद? इस रहस्य का पता तुम्हें ही लगाना होगा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देव गुरु बृहस्पति, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके। आपका आशीर्वाद पाकर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। माता के ऋण से मुक्ति पाने के लिए तुमने जो कुछ किया वो प्रशंसनीय है बुद्ध। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी तपस्या सफल होगी, तारा कलंक मुक्त होगी। पितृ बुद्ध,
तुम्हारे पुत्र की तपस्या के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने आया हूँ देविता। मैं भी यहाँ इसी उद्देश्य आई हूँ देवगुरु। तुम निश्चिंत रहो, भगवान शिव और माता पार्वती जिस अद्भुत लीला में लीन है उसका संबंध तुम्हारे पुत्र की तपस्या की सफलता से भी है। अब बुद्ध को अपना अधिकार सौंपने का अवसर आ गया है देवगुरु। इसे अपना पुत्र स्वीकार करके इसके मन पर रखा बोझ हटा दे। जब तक स्वयं भगवान शिव बुद्ध की आराधना से प्रसन्न होकर उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान नहीं करते तब तक। आपके कहने का ये अर्थ है मैं तब तक कलंक मुक्त नहीं हो सकती, और जब तक मैं कलंक मुक्त नहीं हो जाती आप बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? बुद्ध को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए धर्म और नीति का समर्थन होना आवश्यक है देवी, तुम स्वयं समझ सकती हो। अब हमारे मन में बुद्ध के लिए कोई दुविधा नहीं है। यदि हमारे मन में बुद्ध के लिए पुत्रवत प्रेम नहीं उमड़ता तो हम स्वर्ग लोक छोड़कर बुद्ध से मिलने यहां क्यों आते? अब सचमुच महान स्वामी आपने ये कहकर मेरी मन की सारी कुंठाओं सारी अपराध भावनाओं को समाप्त कर दिया है। पुत्र बुद्ध, अब देवगुरु तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारे या ना पुकारे परंतु इन्होंने मन से तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार कर लिया है। तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझ में आया, उस दिन चंद्रपुत्र ऐसा संबोधन करने पर बुद्ध महाराज को बुरा क्यों लगा था? बुद्ध महाराज, अब तुम चंद्रपुत्र से बृहस्पति पुत्र बन गए हो। अब तुम्हारी समस्त दुविधाएं शिव आराधना करने से समाप्त भी हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? सुन नहीं रहे हो? ओम नमः शिवाय का यह सामूहिक स्वर, यह हार्दिक आवाहन। सुन रही हूँ स्वामी। भोलेनाथ, सृष्टि रचना की व्यवस्था आपके मार्गदर्शन के बिना छिन्न भिन्न हुई जा रही है। तुरंत पधारे महादेव, तुरंत पधारे। देवाधिदेव महेश्वर, आपकी कैलाश में उपस्थिति के बिना सृष्टि पालन कठिन होता जा रहा है। तुरंत पधारे महेश्वर, दर्शन दे, दर्शन दे महेश्वर। देवी, शक्तिवन की रचना और नारीमय होने का उद्देश्य अब पूर्ण। अब हमें अपनी ये लीला समेट लेनी होगी, हमें शीघ्र कैलाश लौटना होगा। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के प्राणी आपके बिना सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती सहित तुरंत पधारें। हम आपके दर्शन के बिना चातक के समान तड़प रहे हैं भोलेनाथ, तुरंत दर्शन दें। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे। क्या हुआ स्वामी? अब मुझे भगवान शिव के शीश पर लौटना होगा रोहिणी, हमारा मिलन समाप्त हो। किसी भी क्षण भगवान शिव अपनी इच्छा शक्ति से मुझे बुला सकते हैं। स्वामी, शक्तिवन की रचना मेरी इच्छा से की गई थी, मेरी इच्छा के बिना आप इसका विलय कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी इच्छा का असम्मान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुमसे अनुरोध कर रहे हैं। कैलाश हमारे बिना सूना होगा, वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति
हमारे दर्शन के लिए ललायित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्र चंद्र त्रिशो त्रिशो आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है स्वामी। तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो देवी। काम्यक वन का कार्य पूर्ण करके अब हमें शीघ्र ही कैलाश पहुँचना होगा। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जैसा सुंदर और सुकुमार पुत्र प्रदान कीजिए ग्रहों के राजकुमार। देवी कौन है आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारी माता तारा कलंक मुक्त। अब तुम देवी इला की प्रार्थना स्वीकार करो और इन्हें मनवांछित पुत्र प्रदान करो। इला? हाँ, इला, जिसे ये रूप देने के लिए ही ये सारी शिव लीला रचाई गई थी। सचमुच आपकी लीला अद्भुत है महारानी विजया। अब तो तुम प्रसन्न होना, तुम्हारे सपनों का युवराज शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ राजधानी पहुंचकर शासक का अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा माता। आपकी कृपा अपरंपार है देवादिदेव। माता पार्वती, देव गुरु ने बताया कि मेरे पुत्र बुद्ध की तपस्या सफल करने, मुझे कलंक मुक्त करने और मनु पुत्र महाराज इल को बुद्ध जैसा युवराज प्रदान करने के लिए आपने ही सारी लीला रची थी। गुरु बृहस्पति, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? अपने भक्तों के लिए अनुपम लीलाएं करने वाले देवाधिदेव, आपका आशीर्वाद मिलने के पश्चात और प्राप्त करने के लिए क्या रह जाता है? मुझे सब कुछ मिल गया भोलेनाथ। देवी तारा, आपकी लंबी व्यथा कथा का अंत हुआ। अब आप सहर्ष देव गुरु बृहस्पति के साथ स्वर्गलोक जाइए। मैं कृतज्ञ हूँ माता। भोलेनाथ, 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 आप शीघ्र अदृश्य हो जाएं। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण होना रहा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, बहुत समय के पश्चात आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और माता, यदि आपके आदेशानुसार
मैं शक्तिवन में प्रवेश कर लेता तो तो तुम नारद से नारदी बन जाते और अल्प से अल्प एक वर्ष तक तुम्हें उसी रूप में रहना पड़ता। परंतु आप दोनों की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी इला, अब तो आपको एक वर्ष तक इसी आश्रम में रहना है, अपने पति की मन लगाकर सेवा करना और पिछली बातों को भूल जाना। अब हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना है देवी। जो आज्ञा स्वामी, तुम सबका कल्याण हो। देवगुरु बृहस्पति, अब आप मुझे भी आज्ञा दें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पीछे पीछे मुझे भी कैलाश जाना होगा। वहां पहुंचे ब्रह्मा विष्णु और देवगण की पुकार मैं सुन चुका हूँ। अवश्य नारद, हम भी स्वर्ग लोक पहुंचकर देवगुरु के कर्तव्य का पालन करें। चलो देवी तारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ पधारे, भोलेनाथ शीघ्र पधारे। दर्शन दे माता पार्वती, दर्शन दे, दर्शन। हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, दर्शन दे, दर्शन दे। हमारी व्याकुलता का अंत करे भोलेनाथ। दर्शन दे शिव शंकर, दर्शन दे। आप यहाँ भी पहुँच गए। नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती का साथ छोड़कर भक्त कहाँ जा सकता है? और वैसे भी आप दोनों से दूर रहकर मैं बहुत वियोग सहन कर चुका हूँ। और जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परम पिता ब्रह्मा जी उपस्थित हो, तो भला नारद कैलाश से दूर कैसे रह सकता है? माता ब्रह्मदेव, श्री हरि, आप तो हमारी हर लीला का रहस्य जानते हैं, फिर आप इतने व्यग्र क्यों हो गए? भोलेनाथ, नंदी तथा शिवगणों की करुण पुकार ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। हाँ महादेव, इन्होंने हमें बार बार पुकार कर हमारा आह्वान किया था। कैलाश से आपकी अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया था। क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपके बिना उद्विग्न विक्षिप्त से हो जाते हैं। हमको अनाथों की भांति छोड़कर ना जाया करें भोलेनाथ। इस विषय में तुम हमसे कुछ न कहो, जो कुछ कहना है देवी पार्वती से कहो। शक्तिवन की रचना की प्रेरणा इन्हीं की थी। हम माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे भोलेनाथ, उन्होंने जो भी किया मुझे स्वीकार है। आपके दर्शन लंबे समय के पश्चात पाकर मेरा मन प्रसन्न हो गया भोलेनाथ, प्रसन्न हो गया। आपके पुनः कैलाश लौटने के उपलक्ष में हम सभी का मन अति आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोलिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय। जय जय शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। जय जय मित्र नारद, तुम कैलाश पर्वत पर स्तुति गान में मग्न हो और मैं तुम्हारे वियोग में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ये कैसा अन्याय है सखा नारद, ये कैसा अन्याय है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मित्र नारद आज मेरे जीवन का श्रेष्ठ दिवस है। अनायास ही तुमसे मिलन हुआ, अनायास ही हरि विष्णु और मेरे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हुआ। इससे बड़ा उत्सव का दिन और क्या हो सकता है मित्र, और क्या हो सकता है। मित्र पर्वत, तुम्हारे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे कुछ ही क्षणों में अंतर ध्यान भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी समय मेरे साथ उनके पास आओ और उनसे विनती करो कि वे तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। आओ। तुम इस समय सच्चे मित्र का कर्तव्य निभा रहे हो मित्र नारद, सच्चे मित्र का। चलो। ये पर्वत रात दिन आपके नाम का जाप करता रहता है, ये आपका भक्त बनने के लिए आतुर है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा इस पर बनी रहेगी। नारद, हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। जो भक्त अपने आराध्य से स्वयं संबंध स्थापित नहीं करता है, उसकी भक्ति स्थायी नहीं रहती है। मित्र नारद, लगता है परम पिता ब्रह्मदेव मुझसे अप्रसन्न है। पर्वत, तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु से बात भी नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे समान चतुर और प्रबुद्ध नहीं है? नारायण नारायण, क्या करूं माता, मेरे मित्र पर्वत का मस्तिष्क पर्वत की भांति अचल है। यदि इससे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारद, तुम्हारे ये मित्र पहली बार कैलाश आए और इन्होंने हमें स्वागत का अवसर ही नहीं दिया। भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं। इस भोले पर्वत को ये समझ में नहीं आया कि कैलाश पर आते ही उसे सर्वप्रथम आपको और माता पार्वती को वंदन करना चाहिए था। पर्वत, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा याचना करो। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें माता, मैं अज्ञानी मतिहीन हूँ। मुझे भी अपने चतुर मित्र नारद के समान चतुराई का वरदान दे। तुम्हारा कल्याण हो पर्वत, तुम्हारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो। भोलेनाथ, अब आप हम सबको आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, कहाँ है भगवान भोलेनाथ और कहाँ है परमपिता ब्रह्मा जी? क्या तुम अपने कल्पना विश्व में भ्रमण कर रहे हो? मैं अत्यंत अज्ञानी और जड़ बुद्धि हूँ मित्र नारद, ये तुमने सिद्ध कर दिया है। मुझे दोष ना दो मित्र पर्वत, तुम्हें अपनी ही बुद्धि ने ठगा है। ना तो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, ना ही अपनी चतुराई का, जो तुम्हारे इस पर्वत जैसे मस्तिष्क में छिपी हुई है। तुम सत्य कह रहे हो नारद, अब भगवान शिव ने मुझे चतुराई का वरदान दे दिया है, तो मन में आशा जागृत हो गई है कि मैं शीघ्र ही अब तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने लगूंगा। परंतु तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहां रहे हैं। नारायण नारायण, अवश्य बताऊंगा पर्वत, अवश्य बताऊंगा। परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैलाश पर परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो वहीं विराजित हैं, वहां देवराज इंद्र थे, देवगण थे, परंतु वहां कौन नहीं था, ये तुमने नहीं सोचा? मित्र नारद, क्या तुमने अभी से मेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी है? तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? नारायण नारायण, देव गुरु बृहस्पति को वहां ना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ हुआ, नहीं हुआ, मुझे गुरुदेव का स्मरण ही नहीं हुआ।
मैं तुम्हारे साथ ऐसा खो गया कि सब भूल गया। एक शिष्य का अपने देवगुरु को भूल जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतना ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मुझ जैसे शिष्य का स्मरण करके गुरु बृहस्पति अवश्य ही दुखी होते होंगे। परंतु इस समय वे दुखी नहीं, संतुष्ट हैं। हमारी गुरु भार्या देवी तारा का साथ जो उन्हें मिल गया है, लंबे वियोग के पश्चात दोनों का मिलन हुआ है। गुरु भार्या देवी तारा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नारायण नारायण पर्वत, तुम जो सुनो जो करो सो अल्प है, परंतु केवल ये बताओ कि इतना सब जानने के पश्चात भी क्या तुम्हें देवगुरु और गुरु भार्या के दर्शन एक साथ करने की इच्छा नहीं हो रही? यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा क्यों ना होगी। तुम्हारा मित्र जो हूँ। धन्य हो तुम पर्वत, धन्य हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना व्यर्थ है, एक शब्द का उच्चार न करो और चलो मेरे साथ देवगुरु बृहस्पति के पास। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवी। पधारें देवराज इंद्र, देवी शची, देवगण। आपका स्वागत है। देवी तारा, आपको स्वर्गलोक में पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंबे समय से हमें आपकी प्रतीक्षा थी। हर कार्य समय आने पर ही संपन्न होता है देवराज। देवी तारा का यहाँ आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भार्या। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कभी कभी मेरा साथ नहीं देती। देवगुरु, अब हम दोनों आपके पास यहाँ नियमित रूप से आएंगे और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं पाकर हम धन्य हुए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे कारण ही मेरा पृथ्वीलोक पर आकर तपकर्म सार्थक हुआ। मेरी माता की अपराध शुद्धि का एक कारण तुम भी बनोगे। बुध ग्रह से मेरा पृथ्वीलोक आना सफल होगा। तुम्हारे कारण ही मैं मातृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैं और कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। हम उनका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तुम सत्य कह रही हो इला, शिव आराधना करते हुए तुम्हारी ओर ध्यान जाना मेरी भूल थी। आओ सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मनुपुत्र महाराज इलके नारी रूप इला ने ग्रह युवराज बुद्ध के समागम से महान पुरुवंश के संस्थापक महापुरुष पुरुषवा को जन्म दिया। पुरुषवा के जन्म से बुद्ध और देवी तारा का प्रायश्चित पूर्ण हुआ। भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से इला ने पुत्र जन्म के पश्चात पुनः महाराज इल का पुरुष रूप धारण किया और प्रथम पुरुष मनु की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय चक्र चलता गया, सात्विक प्रवृत्तियां एवं शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया, तामसिक शक्तियां क्षीण होने लगी। सात्विक शक्तियों के प्रतीक देवताओं एवं तामसिक शक्तियों के प्रतीक असुरों में समय समय पर युद्ध हुआ, दैत्यों की पराजय हुई। इससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे और ये स्वाभाविक ही था, कारण कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सदा ही दैत्यों की
विजय के इच्छुक रहे। शुक्राचार्य, दैत्यों की पराजय एवं काल का ग्रास बन जाने के उपरांत तुम्हें दैत्य गुरु बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, तुम जिस दैत्य को भी त्रिलोकपति विश्व विजेता बनाने का प्रयास करते हो, वो दैत्य अपने अहंकार और अज्ञानवश देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। गजासु, हाँ, उसे तो तुमने अपने तप और सिद्धि से महान पराक्रमी और अवित्य बना दिया था, किंतु वो भी देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के हाथों न केवल मारा गया, अपितु उसकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उसका चर्म वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। इस पराजय का उत्तरदायी गजासुर नहीं शुक्राचार्य, तुम हो। तुम ये पराजय गजासुर के पराक्रम की नहीं, तुम्हारे अहंकार या ज्ञान आधार ही तप और अस्तित्वहीन सिद्धियों की हुई है। जब तुम महान माता दीदी के दैत्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, तब तुम उन्हें मिथ्या सत्य क्यों दिखाते हो? जब तुम दैत्यों को विश्व विजय नहीं बना सकते, तो उनके भीतर विश्व विजय का भ्रम उत्पन्न क्यों करते हो? जब दैत्यों की आश्रय शक्ति देवताओं की शक्ति के सामने पराजित हो जाती है, तो तुमने शक्ति का विश्वास ही क्यों दिलाते हो? क्या तुमने दैत्यों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया है शुक्राचार्य? यह आरोप तुम पर तुम्हारा आत्मिक तत्व नहीं संपूर्ण दैत्य जाति लगा रही है। यदि तुम उनके आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी, तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी, 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 भले लगेगी। हाँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी, तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी, तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी, तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली लगेगी। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूद कर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। ए यज्ञ, आप हर प्रकार से पराजित दैत्य संस्कृति की रक्षा न कर पाने वाले इस दम्भी तपहीन सिद्धिविहीन शुक्राचार्य के पापी शरीर को स्वीकार करें। अरे रे 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 रे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृपया आप ऐसा अनर्थ ना करें। देवऋषि नारद, आप इस समय यहाँ आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? नारायण नारायण, दैत्य गुरु, मैं तो लोकहित और जन कल्याण के उद्देश्य से नारायण नारायण का जाप करता हुआ 14 भुवनों में भ्रमण करता ही रहता हूँ, फिर आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? इसी बात का तो आश्चर्य है देवऋषि नारद, कि मेरे आत्मदाह टलने से न तो जन कल्याण की ही संभावना है और न लोकहित की, फिर इस समय आपकी उपस्थिति। नारायण नारायण, सप्त ऋषियों में महान भृगु पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप ये भी नहीं जानते कि अग्नि के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करके आप अग्नि के मूल स्वरूप को बदल रहे हैं, और फिर जन कल्याण और लोकहित के उद्देश्य से अग्नि के मूल स्वरूप की रक्षा करना, ये तो नारद का परम कर्तव्य है। सो उपस्थित हो गए देवऋषि नारद, आप अनेक अर्थों वाली भाषा बोलने में प्रख्यात हैं,
किंतु इस समय वीर दैत्यों की पराजय से मेरा मन खिन्न है। मेरी आत्मा पश्चाताप के भाव से ग्रसित है। मेरा सर्वस्व मुझे एक क्षण भी श्वास न लेने का परामर्श दे रहा है। अब आप स्पष्ट और शीघ्र कहें कि मेरी मृत्यु से अग्नि के स्वरूप और जनकल्याण एवं लोकहित का क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संबंध है। क्या आप ये भी नहीं जानते कि आप जैसे भगवान भोलेनाथ के महान भक्त के शरीर का पावन स्पर्श पाकर अग्नि की प्रचंडता चंदन की भांति शीतल हो जाएगी और फिर आप अग्नि को शराब भी दे डालेंगे। मैं पश्चाताप के ऐसे भाव लेकर जीवित नहीं रह सकता देवऋषि। जब मैं दैत्यों के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी तो मैं प्राणवायु रोककर इच्छित मृत्यु का वरण करूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप प्राणवायु रोक देंगे तो संसार में और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया हो, कोई भी मार्ग शेष न रहा हो, तब एक ही कर्म शेष रह जाता है। कौन सा कर्म? प्रभु नाम स्मरण का कर्म दैत्य गुरु, प्रभु नाम स्मरण का कर्म। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आपके मन में उठी विषाद की छाया आपके आराध्य भगवान भोलेनाथ तक पहुंच गई है। उनके आदेशानुसार ही तो मैं आपकी सेवा में यहां उपस्थित हुआ हूं। देवऋषि नारद। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। वे आपके दैत्यों के उत्थान का मार्ग और आपकी निराशा का उपचार भी अवश्य करेंगे। नारद, आप देवऋषि होकर दैत्यों के उत्थान का मार्ग दिखा रहे हैं? नारायण नारायण। संदेह ना करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संदेह ना करें। आज तक स्वयं नारद नहीं मानता कि वो देवऋषि है। देवऋषि, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ दैत्य गुरु, जिस क्षण मुझे यह आभास मात्र हो जाएगा कि मैं देवऋषि हूँ, उसी क्षण से मेरा अहंकार मुझे प्रभु का भक्त भी नहीं रहने देगा। देवऋषि नारद, आप क्या हैं? आपको समझने में हर बार ये शुक्राचार्य चूक क्यों जाता है? मैं कुछ नहीं हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं मात्र परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, अपने आराध्य जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का भक्त और देवाधिदेव महादेव का अनुचर हूं। इन तीनों महाशक्तियों की आज्ञा का पालन करना यही नारद के जीवन का उद्देश्य है। मैं कुछ नहीं हूं। देवऋषि नारद, सत्य में आप प्रणाम के योग्य हैं। ये शुक्राचार्य आपको प्रणाम करता है। नहीं नहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आपको प्रणाम ही करना है तो भगवान भोलेनाथ को करें, वे आपका कल्याण अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। देवाधिदेव, आपने बागंबर छोड़कर आज ये गज चर्म धारण कर लिया है। देवी, गजासुर हमारा परम भक्त था, उसके भक्ति के प्रतीक स्वरूप हमें कभी कभी इसे पहनने की इच्छा होती है। और अपने भक्तों की प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई वस्तु हमें सदैव हमारे कर्तव्य का स्मरण करवाती रहती है। आपका कर्तव्य भोलेनाथ? हाँ देवी, भक्तों के कल्याण का कर्तव्य और भक्त गजासुर के गच्चर्म का स्पर्श पाते ही हम सदैव अपने प्रिय पुत्र गणेश की समीपता अनुभव करते हैं। ओम नमो भगवते सांब सदाशिवाय। जय श्री गणेश। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री।
पुत्र गणेश, यह गजचर्म तो तुम्हारे पिता ने गजासुर के वध के उपरांत ही धारण किया था। तब तुम यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुए? माता, मुझे तभी उपस्थित होना होता है जब आप दोनों एक साथ मेरा स्मरण करते हैं। कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र गणेश, मेरी प्रिय पुत्र बधुएं बुद्धि सिद्धि कुशल तो है ना? उन्हें तुम्हारे कारण कोई कष्ट तो नहीं है? ये तुम कैसा विचित्र प्रश्न कर रही हो पार्वती। क्या पति के कारण पत्नी को कष्ट हो सकता है, वो भी गणेश जैसे चतुर और महान पति से? पिता श्रेष्ठ, माता का ये प्रश्न विचित्र नहीं है। मैं अपने भक्तों को उनकी भक्ति के प्रतिफल देने के उद्देश्य से प्रायः गणेश लोक से अदृश्य हो जाता हूँ। अब ऐसी स्थिति में उन दोनों की व्याकुलता स्वाभाविक है। एक बार उन्होंने माता पार्वती से अपनी इसी व्याकुलता का उल्लेख किया था। संभवतः इसीलिए माता पार्वती ने मुझसे ये प्रश्न किया। दायित्व और पद को प्राप्त करना बहुत सरल है गजानन, किंतु निर्वाह बहुत कठिन। इन दोनों के मध्य संतुलन बैठा पाने वाला व्यक्ति ही पूजनीय होता है। पुत्र गणेश, पिताश्री द्वारा कहे गए पद और दायित्व संबंधी दर्शन पर तुम्हारे जैसे कुशाग्र बुद्धि का प्रतिक्रिया ना व्यक्त करना यही सिद्ध करता है कि तुम आजकल बुद्धि और सिद्धि को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से प्राय गणेश लोक में ही रहते हो। हाँ माता, इसी कारण तो मेरे भक्तों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस विषय में तुम्हें अपने पिताश्री के आदर्श का अनुसरण करना होगा। अवश्य माता। एक बात और गजन, निस्संदेह विवाह के उपरांत स्त्री और पुरुष नवीन संबंधों में बंध जाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने संबंधों को अनदेखा किया जाए। सत्य है देवाधिदेव। भक्त बहुत शंकालु होता है पुत्र, अपने एक ही बुलावे पर ईश्वर का साक्षात करने का इच्छुक होता है और न आने पर अनेक शंकाओं से घिर जाता है। अपने भक्तों को शंका और चिंताओं से मुक्त करो गणपति, चिंता चिता समान होती। ये भी सत्य है देवाधिदेव। तुम प्रथम पूज्य हो गणेश, इसी कारण तुम्हारा दायित्व हर एक से अधिक है। पिताश्री, आपका मार्गदर्शन पाकर ही ये गणेश गणपति हुआ है। भविष्य में मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हर एक के मध्य मधुर संबंध स्थापित करूंगा। तुम अपने हर अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप तो एक दृढ़ निश्चय साधक हैं। आपके आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते, आप तो पर्वत के समान अटल होने के योग्य हैं। भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर है। आत्महत्या को उतावले मुझ निरी पर कृपा करने हेतु आपने परम ज्ञानी देव ऋषि नारद को मेरे पास भेजा। उसी कृपा के उपकार वश एवं धन्यवाद देने के उद्देश्य से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। तुम्हारी उपस्थिति का उद्देश्य हम भली भांति जानते हैं शुक्राचार्य। तुम्हारी इच्छा है कि जीव मात्र का आराध्य होने के कारण हम तुम्हें संकट में पड़ी दैत्य जाति के पुनरुत्थान का आश्वासन। देवाधिदेव महादेव, आपकी इच्छा के बिना तीनों लोकों में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महेश्वर, आप जानते हैं दैत्य जाति के पुनरुत्थान के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य आपको ही करना होगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही? हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही शुक्राचार्य। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। आशीर्वाद नहीं, मात्र आश्वासन कि इस बार
तुम जिस दैत्य को दैत्यों के उत्थान के लिए प्रेरित करोगे उसका वध हम स्वयं नहीं करेंगे। अर्थात आप अपने महान पुत्र गजानन द्वारा दैत्यों का संहार करवाने के इच्छुक हैं। कब वो श्री गणेश से कहे कि स्वयं आप द्वारा निर्मित इस संसार में प्रत्येक जीव को जीवित रहने का अधिकार है, दैत्यों को भी जीवित रहने दे, उन्हें सफलता एवं समृद्धि प्राप्त करने दे। पिता की आज्ञा का अनुसरण करना पुत्र का कर्तव्य होता है। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, किंतु आप शुक्राचार्य जी से कहें कि वे दैत्यों को न्याय तथा नीति का ज्ञान अवश्य प्रदान करें, अन्यथा दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के लिए मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। गणेश, इस समय शुक्राचार्य को तुम्हारे आश्वासन की आवश्यकता है, तुम इन्हें आश्वासन प्रदान करो। यदि दुष्शक्तियों ने दुष्टता की तो उसका उपाय हम निकाल लें। जो आज्ञा पिता श्रेष्ठ। दैत्य गुरु, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस बार जिस दैत्य का उत्कर्ष आप करेंगे उसका वध मेरे द्वारा नहीं होगा। श्री गणेश की जय। भगवान श्री शिव शंकर की जय। शुक्राचार्य, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी कामना पूर्ण करो। प्रणाम भोलेनाथ। देवाधिदेव, माता पार्वती वार्तालाप के मध्य ही उठकर चली गई। मैं उनके दर्शनों के उपरांत गणेश लोक जाने के लिए इच्छुक हूँ। तुम उनसे मिलकर और समझा कर भी जाओ। समझा कर? शुक्राचार्य को आश्वासन देना उनको अच्छा नहीं लगा, संभवतः वो हमसे रुष्ट है। जो आ गया पिता श्रेष्ठ। पति परमेश्वर से रुष्ट, जगत आधार से रुष्ट, ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता पुत्र। माता, यदि आप रुष्ट नहीं थी तो समाधि स्थल से उठकर चली क्यों आई? गणेश, हर कार्य के पीछे एक कारक होता है और वह कारक शिव इच्छा के अधीन होता है। किंतु पुत्र, क्या तुमने भी शुक्राचार्य द्वारा प्रकट होने वाले नए दैत्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया है? माता, मैंने किसी दैत्य की सुरक्षा का नहीं अपितु उसका वध ना करने का आश्वासन दिया है, वो भी पिता शिव शंकर की आज्ञा पर। भगवान शिव शंकर अपने भक्त शुक्राचार्य को निराश करने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई गणेश, अन्यथा देवाधिदेव मुझे भी आश्वासन प्रदान करने के लिए विवश कर देते। आप तो साक्षात शक्ति का अवतार है माता, जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसे दंडित करना आपका परम कर्तव्य है। आपने वहाँ उपस्थित न रहकर अच्छा ही किया, ये भविष्य का संकेत है। भविष्य का संकेत? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। ऐसा कोई संकेत तो भगवान शिव शंकर ने इस संसार में रचा ही नहीं जिसे आप न समझे। यदि मेरी भेंट शुक्राचार्य जी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगा कि दैत्यों के अनुचित कार्यों के लिए माता शक्ति उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगी, अतः वे सावधान रहें। जय मातृशक्ति, जय शिव।